एक तरफ व्हाइट पेपर तो दूसरी तरफ ब्लैक पेपर। 24 में हिंदुस्तान की सियासत में पेपर वॉर शुरू हो गया है। व्हाइट पेपर जिसे मोदी सरकार मनमोहन सरकार के कार्यकाल की आर्थिक नीतियों पर लेकर आई है। सर, आई राइज टू ले अ व्हाइट पेपर ऑन द इंडियन इकोनॉमी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स। वहीं कांग्रेस भी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर लेकर आ गई। इन दोनों पत्रों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले समझिए कि आखिर इन दोनों पत्रों में अंतर क्या होता है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। व्हाइट पेपर में सरकारी दस्तावेज जबकि ब्लैक पेपर राजनीतिक दस्तावेज होता है। व्हाइट पेपर में सरकार तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट पेश करती है, वहीं ब्लैक पेपर को विपक्ष सरकारी दावों की काट के तौर पर पेश करता है। बात सरकार के व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र की, जिसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में अपने संबोधन में ही दे दी थी। BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? HAL, उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी बर्बादी। LIC को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अंतरिम बजट पेश करते हुए श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। कल आर्थिक नीतियों पर मोदी ने कांग्रेस को घेरा और अगली सुबह यानी कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं के साथ ब्लैक पेपर जारी किया। इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अन्यायकाल बताया गया है। जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं, तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर पर BJP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है, मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार और ब्लैक डीड करने वाले और कर भी क्या सकते हैं, और आपकी पीड़ा हम समझते हैं। आपके तो पार्टी के क्या सोनिया जी क्या राहुल जी दोनों भ्रष्टाचार में अभियुक्त हैं। हिंदुस्तान की सियासत में पेपर वॉर अभी थमने वाला नहीं है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ नए नए पेपर लाएंगे। अब देखना है कि जनता जनार्दन अपनी अदालत में किसके पेपर पर विश्वास करती है और जीत का आशीर्वाद देती है।